हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को धांधलियां जो लिस्ट में हुई है उन बेजाब्दगियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मेरिट का मर्डर किया है आपने, हम ये कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है माहे रमजान मुकद्दस महीने में एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर किया है सड़क से आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। इससे अनफॉर्चुनेट एलजी साहब क्या हो सकता है कि हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव आज जम्मू में वो इफ्तार के वक्त वहाँ कभी कभी वो सड़कों पे इफ्तार करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने 2 साल के बाद और थोड़ी सुनी एल जी साहब, ये एक लॉलीपॉप था कि आपने आर के गोयल साहब की क्यादत में 3 रुपये कमेटी को इनिशिएट किया। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी, वो कमेटी आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है? अगर अल्टीमेटम दिया था कमेटी को, जो कि आर के गोयल साहब की सरबराई में कमेटी बनी है, उसको रिपोर्ट अपना पेश करना था 1 मंथ में। आप देख लीजिए 12 दिसंबर को उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह कहना पड़ता है आज 4 महीने गुजर जाने के बाद रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। ये कमेटियाँ एल जी साहब आपने बहुत बनाई, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का यूथ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो निपोटिज्म, फेवरेटिज्म और ब्लड रिलेशन के तहत जो लिस्ट मंजर आम पर आई 3 अक्टूबर को फायर एंड एमरजेंसी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है एक डार साहब के तो 5 बच्चे लगे। ये डार साहब के ही लगाने थे तो हम एस्पिरेंट्स का वक्त क्यों बर्बाद किया? आप देख लीजिए आपने एपटेक जैसी कंपनीज को हायर किया है, कहाँ जाए जम्मू कश्मीर के यूथ? एल जी साहब किससे इंसाफ मांगे? आज माहे मुबारक के इस मुकद्दस महीने में हमारे साथ तो इंसाफ करें। मैं आज तमाम पॉलिटिशियन, तमाम यूथ के से गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी ये हमारी जंग नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। आज हम इसको मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है आज हमारे साथ एक पॉलिटिशियन, एक हाई प्रोफाइल शिवान साहब भी जुड़े हैं पीपल्स पार्टी के, और हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहली बार वो हमें मिले, और लास्ट में आपकी चैनल के वसादत से फिर एल जी साहब को हम बताते हैं, एल जी साहब यहाँ से हम आज हटने वाले नहीं हैं जब तक ना आप इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाएंगे।